सबसे पहले तो कैथल पब्लिक टीवी के सभी देखने वाले दर्शकों को नमस्कार और आपको भी। आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने का भी एक मेरा मेन इशू है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो विज़न है, आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं, वो गरीब व्यक्ति के लिए, सभी वर्गों के लिए, देश के समूचे जन जन के लिए कल्याण हेतु प्रयास आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने का यही मुख्य कारण है। और सबसे जो अच्छा लगा, जो हमारे शहीद जिन्होंने देश को आज़ाद किया, देश की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ते हुए अपने आप को कुर्बान किया और भारत का संविधान लिखने वाले भारतीय संविधान के रचयिता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की नीतियों का अनुसरण जो करते हैं, ये सबसे बड़ा जो मेन कारण है, मैं इनसे प्रभावित होकर के आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए गया और मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। जी, आने वाले समय में सर, अगर चुनाव लड़ने की बात आए तो कुला विधानसभा जो है रिजर्व सीट है, क्या रहेगा उसमें सर? आने वाले समय में जो चुनाव होंगे, पार्टी जो भी ड्यूटी लगाएगी उस ड्यूटी को निभाने के लिए तैयार है और पार्टी की नीतियों का प्रचार करने के लिए जहां भी ड्यूटी लगाएगी पार्टी, हम तैयार है कार्यकर्ता के रूप में। पार्टी के सामने कोई आपने मांग रखी है सर? पार्टी के सामने मेरी कोई मांग नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। मैं पार्टी के रूप में एक समर्पित कार्यकर्ता की तरह काम करना चाहता हूँ और भारत में आम आदमी पार्टी की हर वर्ग में समान विकास हो और सबका विकास हो, ऐसी नीतियों का अनुसरण करने वाली आम आदमी पार्टी में अपने आप को समर्पित करता हूँ। आने वाले समय में सर कैथल में कोई बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं पार्टी के लिए? बिल्कुल करेंगे आने वाले समय में। सबसे पहले तो मैं आने वाले कुछ ही दिनों में हमारे हल्का गुला से कम 25 से 30 सरपंच हैं और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए और अन्य जो पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, वो सभी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे ज़िले कैथल की भारतीय जनता पार्टी, अन्य पार्टियों में बैठे जितने भी कार्यकर्ता है जो अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, हम उनका आम आदमी पार्टी में स्वागत करते हैं और हल्का गुला की जनता से निवेदन करता हूं कि आप आइए, आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कीजिए, ये आपकी अपनी पार्टी है, क्योंकि ये सारी नीतियां हैं जो प्रत्येक वर्ग के लिए लेके आई हुई है। दिल्ली मॉडल हमारे सबके सामने है, शिक्षा और स्वास्थ्य है, और जो पंजाब के अंदर अभी एक तरफा चुनाव हुआ है उसके अंदर भी जो आए दिन नई नई घोषणाएँ जन कल्याण के लिए आ रही है, उनको देखते हुए हरियाणा में भी ऐसा होगा और आने वाले समय पूरे देश में आम आदमी पार्टी का होगा। और मेरा सभी से निवेदन है, आइए आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कीजिए और हम सब के मिल के साथ मिल करके अब इस विजन को आगे बढ़ाइए।